हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। बाकी आपका भाई बहुत ज़्यादा अच्छा और बढ़िया भी है भाई। लोग इधर खड़ी है अपनी स्नाइपर। आज का व्लॉग यार मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज यार मॉर्निंग में ही निकला हूँ घर से। तो आज यार अपनी स्नाइपर में कराने वाला हूँ मैं मॉडिफिकेशन क्या कराऊंगा वो तो आपको व्लॉग में ही पता चल जाएगा। तो बाकी इधर चेक करो, लुक तो यार काफ़ी प्यारा निकल के आ रहा है यार। अपनी स्नाइपर का लुक इसलिए प्यारा निकल के आ रहा है बिकॉज मैंने इसकी वॉशिंग करा रखी है। जल्दी से बाइक को करते हैं कोल्ड स्टार्ट एंड निकलते हैं यहाँ से और अपनी बाइक को आज मॉडिफाई करवाएंगे अच्छे से। यार गाड़ी ना एक ऐसी चीज है, इसमें कितना भी पैसा लगा लो बट पैसा मांगती ही रहती है। जितना पैसा लगाओगे उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाएगी। तो आज मैं भी अपनी बाइक में थोड़े बहुत पैसे लगाने जा रहा हूँ। अब देखते हैं यार कितना खर्चा आएगा। मेरे हिसाब से ज्यादा तो आएगा नहीं, जो भी होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। हो सकता है यार ज्यादा भी हो जाए खर्चा, क्योंकि यार मेरा कुछ नहीं पता। मैं मोटिवेशन कराने लगा ना, दुकान वाले भी ऐसे होते हैं यार, वो भी कहते हैं कि भाई ये करा लो वो करा लो, अच्छी लगेगी। तो मैं सोचूंगा यार उनके बहकावे में ना आऊं, जो मेरी जरूरत की चीज है वही यूज करवाऊं बाइक में अपनी। बाकी तो देख लेंगे जैसा भी होगा। लीवर के भी यार बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज भाई मैं आपको बता देता हूँ। मैंने लीवर चेंज तो कराए थे बट अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन यार एक दिक्कत थी उसमें। दिक्कत ये थी उसमें ना भाई, जब भी मैं अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में स्टार्ट कर रहा था ना, तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो भाई न्यूट्रल करनी पड़ रही थी हर बार। बट मेरा जो ओरिजिनल लीवर लगा हुआ ना, क्लच लीवर, इसका भाई एक सॉकेट जो था भाई फ्यूज हो गया था। तो मैंने पता करा भाई मैकेनिक से कि क्या प्रॉब्लम थी ऐसी जो फ्यूज हो गया। कह रहे भाई आपने कुछ छेड़छाड़ कराई है अपने लीवर्स में। मैंने उसको भाई बता दिया कि यार मैंने चेंज करवाए थे लीवर। कह रहा हाँ तो बस वही दिक्कत है, उसी वजह से आपका फ्यूज हो गया। बट वो भी मैंने सॉर्ट करवा ली दिक्कत, इसलिए मैंने भाई अपने गोल्डन वाले जो है अपने क्लच लीवर निकलवा लिए। भाई आप भी मत लगवाना। देखो यार अच्छी तो लगती है चीजें दिखने में, ब्यूटीफुल लगेगी। मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती थी, बंदे पूछते थे यार ये सोने के किस चीज के। बट वो भी भाई अपने लीवर लगवा सोच समझ के लगवाना। मैं तो कहता हूँ भाई न्यू बाइक जो आ रही है ना BS6 और BS7, उसमें तो भाई कोई भी मत लगवाना, आपका लॉस ही होगा। यार सुबह सुबह इतना ज्यादा ट्रैफिक, जल्दी से पहले ये जो है जाम क्लियर कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। भाई 15 से 20 मिनट का जाम था वो, और आपके भाई ने भाई 3 से 4 मिनट के अंदर वहां से गाड़ी ही निकाल दी बाहर। बहुत सारे भाई लोग मेरे मुझसे कमेंट करके बोल रहे थे कि अमान भाई मोटो ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें। मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट तो कर दी है बट यार मोटो ब्लॉगिंग में बोले क्या, हमें कुछ समझ में नहीं आता। भाई यही कंफ्यूजन सबकी रहती है, स्टार्टिंग में मेरी भी यही कंफ्यूजन थी। तो यार इसके ऊपर ना मैं एक पर्सनल व्लॉग बना दूंगा, आप सभी को पता चल जाएगा कि मोटो ब्लॉगिंग में क्या क्या बोलना चाहिए एंड मोटो ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, जर्नी क्या होती है मोटो ब्लॉगिंग की। आप सभी टेंशन मत लेना, जल्दी उस चीज के ऊपर भी मैं आपको व्लॉग बना के दे दूंगा। एक ट्रैफिक क्लियर नहीं किया भाई, दूसरा ट्रैफिक यहाँ पे लग चुका है। ये तो चलो छोटा सा है यार, ऐसे ही ट्रैफिक पता नहीं मुझे रास्ते में कितने मिलने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले यार शॉप पे पहुंच जाते हैं मोटिवेशन की एंड वहीं पर आपसे मिलते हैं। अभी गाइस आप सभी चेक कर रहे होंगे कि यार रात हो चुकी है और अमान भाई ने व्लॉग जो स्टार्ट करा था वो मॉर्निंग में करा था। और रात कैसे हो गई यार? रात मेरी वजह से हुई है। दरअसल मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या था यार, मेरे को घर से कुछ काम आ गया था तो इस रीज़न से यार मैं अपने घर पे चला गया था काम करने के लिए। तो थोड़ा बहुत काम था, मेहमान आए हुए थे गेस्ट, तो मैंने यार बाइक वहीं छोड़ दी एंड मैंने बोला भाई तुम मोटिवेशन करके रेडी रखना, देन मैं घर पे चला गया अपना सामान वगैरह लाने के लिए। तो भाई इसलिए लेट हो गया, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, थोड़ा मेहमान को भी देखना पड़ता यार। बट अपनी गाड़ी में मोटिवेशन तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मोटिवेशन की कोई कमी नहीं रही। अभी आपको इसका मीटर ऑन करके दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैंने इसमें क्या क्या मोडिफाई कराया है। सबसे पहले तो भाई मीटर ऑन करते हैं। मीटर में तो यार मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं कराया, मीटर वही है अपना। और अभी आप जो ब्लिंकर देख रहे होगे ना, ये हैजार्ड स्विच जो लगा हुआ ना अपना वही है। पहली चीज़ तो भाई अब यहाँ नोटिस करो आप, ये जो चीज़ देख रहे हो ब्लू ब्लू जल रही है अंदर, वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और आई थिंक यार कैमरे में आपको ये हल्की लाइट शो हो रही होगी, मतलब अच्छी खासी विजिबल नहीं हो रही होगी बिकॉज यार रात का टाइम है एंड कैमरा जो भाई सही से फोकस नहीं कर पाता। बट ये चीज़ ना यार रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है देखने में। ब्लिंकर के साथ अपनी जो है LED स्ट्रिप मैंने अंदर फिट कराई है। एंड सेकेंड चीज़ देखो भाई, ये तो यार मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। देख रहो अपनी R15 की आइस चेक करो यार एक बार, क्या ही क्लियर लुक निकल के आ रहा है। पहले जो अपने भाई DRL थे ना, ये भाई ब्लिंक नहीं करते थे जैसे आप ब्लिंक कर रहे हैं। इनकी जो वायरिंग थी भाई मैंने अपने हिजार्ड्स के साथ जो है अपना अटैच करा दी, तो इसलिए भाई ब्लिंक कर रहे हैं। और ऊपर से भाई मैंने इसके ऊपर यहाँ पे टेपिंग भी कराई है ब्लू कलर की, जिससे भाई लुक इसका और ज़्यादा इन्हेंस्ड हो गया है। तो अब लुक देख के बताओ यार कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है लुक। और बाकी अभी स्टार्ट करता हूँ उसे एक बार और चेक करना अपना।
चेक करो गाइस, लुक एट दिस ब्यूटी। अपनी भाई नीचे भी अपनी लाइटिंग जल रही है, देख रहे हो रेडिएटर आपको ग्रिल दिख रही होगी, नीचे भी लाइटिंग सेट करवा रखी है अपनी। यहाँ पर भी ब्लिंकर अपने जो है सही करवा ली है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है अपनी ये लाइट है ब्लू वाली, ये दोनों साइड है, एक साइड नहीं, आपको दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ। कभी आप सोचो यार कि मतलब अमान भाई ने एक साइड लगवाई, ये देखो दिख गई अब भाई, ये सेकंड वाली साइड। तो मतलब दोनों साइड में अपनी एलईडी जो है जलने लगी है ब्लिंकर के साथ। और सबसे ज़्यादा तो मुझे भाई ब्यूटीफुल ये लगी अपनी जो आई है ना, ये इतनी प्यारी आंखें यार, जिसको प्यार नहीं हुआ ना इस आंखों से तो भाई क्या ही हुआ। मुझे तो भाई प्यार हो गया अभी इन आंखों से, पहले तो था, पहले कम था, बट जब से ब्लिंक कर दिया बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। एंड यार अब आप सभी ये सोच रहे होगे कि अमान भाई इसमें खर्चा कितना आया, देखो यार खर्चा ज़्यादा नहीं आया, इसमें नॉर्मल खर्चा आया है। इनकी भाई मैं आपको प्राइसिंग बताऊँ ना अपने DRL की लेमिनेशन की, तो भाई ये 50 में दोनों मैंने करवा ली हैं, देख लो। ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं था, थोड़ा सा ही था, बस ब्लू वाली जो फिल्म होती है पिन्नी अपनी वो चलवा दी इसमें, 50 रुपये इसके लगे। एंड ये जो लाइट है, लाइट मुझे 100-100 रुपये की दोनों साइड की पड़ी, मतलब 300 में इंस्टॉलेशन के साथ मैंने अपनी लाइटिंग का काम करा लिया। एंड और ये जो ब्लिंकर है ये भी अटैच करवा लिए 300 में। एंड उसके बाद जो था बाकी 50 के अपना ये हो गया, 350 तो ये हो गया भाई। और बाकी मैंने यार यहाँ पर अपना स्टीकर जो था रिमूव हो चुका था, अमान राइडर ये भी लिखवा लिया, इसके 50 लगे। और दूसरी वाली साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, इधर भाई मैंने अमान राइडर नेम का एक और फिर से YouTube चैनल का लोगो और विद अपना नेम जो है लगवा लिया। ये यार मेरे मतलब मिटने लगे थे, छूटने लगे थे, तो मैंने सोचा यार दोबारा लगवाते हैं, बट यार इसका डिज़ाइन तो थोड़ा बहुत मुझे ठीक लगा। और जो दूसरी वाली साइड है ना यहाँ पे, ये जो साइड है ना यार इंस्टाग्राम वाली, इसकी फ़ॉन्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, ना ही लोगो पसंद आया। बट मैंने भाई से बोल दिया अभी मैं जल्दी में हूँ आपसे, भाई मैं 3D लोगो लगवाऊंगा इस पे, तो भाई कह रहे कोई नहीं आ जाना, 3D लोगो लगवाएंगे इस पे इंस्टाग्राम का, एंड ये वाली फ़ॉन्ट भी चेंज कराएंगे। बाकी लुक देख लो यार एक बार, क्या ही लुक निकल गया अपनी स्नाइपर का। आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बता देना मुझे, और वीडियो कैसी लगी, होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो थी अभी, तो बेसिक सी मोटिवेशन कराई है, अभी और भी मोटिवेशन करानी है अपनी बाइक में। तो मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो मिलते हैं आपको न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।